अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं ये खेत घूमने। ये देखिए हम लोग का गांव। गांव नहीं मतलब ये तो खेती है, गांव के सारे लोगों का खेत है। मैं सबसे मिलवाती हूँ। ये है मेरे बड़े अब्बू की बेटी जनीना और ये रही आलिया, फरजाना, ये लोग मेरे फूफू की बेटियाँ, छोटी वाली फूफू की बेटी, और सना, बड़ी अम्मी, फूफू सब लोग आए हैं। हम लोग आज साग लेने आए थे वैसे तो, लेकिन खेत भी घूम रहे हैं और साग भी ले रहे हैं। आपको मिलवाती हूँ उनसे भी। चलिए मैं आपको आज पूरा दिखाती चलूँगी यहाँ पे कैसा है क्या है हमारा काम। सो लेट्स गो। हेलो, से हेलो। हेलो से नो। अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो। हेलो हेलो, अच्छे से बोलो ना सना। हेलो। उठो उठो उठो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हेलो। देखिए सब लोग साग ले रहे हैं वहाँ। जनीना देखिए हमारा गांव कितना प्यारा है। ये सना दौड़ के आ रही है। फास्ट। अरे वाह, इधर पोखरा है, आपको उधर भी लेके चलूंगी। और यहाँ पे ये देखिए सारे लोग फिर से वापस जा रहे हैं, अब चल रहे हैं हम लोग भी। ये छोटी सी नहर है, यहाँ पे हम लोग पहले काफी टाइम स्पेंड किया करते थे। हेलो। ये देखिए ये बेर का पेड़ है और यहाँ देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं सारे खेत। वाओ, ये हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मज़ा आ रहा है देख के, है ना। सारे नीलगाय दिखते थे, अभी एक भी नहीं दिख रहा है। हम रुके हुए भी थे कि कहीं एक दिख जाए एक दो। बहुत ही ज़्यादा नीलगाय दिखते थे, ऐसा लगता था कि मतलब बकरी या फिर गाय कोई चरा रहा है वैसा। अब चलिए आपको पोखरा दिखाती हूँ, गाँव के बहुत ही नज़दीक है। हम पोखरी जो है वो सूख चुके हैं, ये वाला और आगे आगे वाले में थोड़ा सा पानी है, इसके आगे वाले में थोड़ा पानी है, ये वाला सूखा हुआ है, शायद मछली वछली मारने के लिए सुखाया गया है। और ये रहा हमारा पेड़, हमारा नहीं है, यहीं का है, किसी का है, और यही रहा पानी। चलिए आपको दिखाती हूँ। वाह, क्या ये मछली पकड़ने के लिए इसमें गिरा है। ओह, उसमें मछली पकड़ा जाता है, ये किस लिए है? ये पानी जाता है पोखरा में, यहाँ पे हम दाना दाना डाला जाता है ना इससे? नहीं, ये पानी जाता है पोखरा में, जो नाला है ना यही नाला से जाता है। अच्छा, ये देखो आ गया पोखरी। और वो रहा हमारा घर, वहाँ पे वहाँ से भी दिखता है, छत से भी दिखता है। इसी से दाना डाला जाता है मछली पे, इस पे चढ़ के डाला जाता है, इस पे चढ़ के डाला जाता है, इसको चलाया जाता है। चलो उधर से आते हैं, उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम लोग, गिनते हुए जाएंगे कितने। ओके, चलो। इसी का पानी इसमें गिर रहा है। अच्छा, कितना फ्रेश दिख रहा है ना इसमें पानी, और अंदर देखो ना कचरा उधर पूरा, उधर भी है पोखरा। किधर? उधर उधर। वाह, कितना मजा आता है यहाँ पे। इसी पे चढ़ के दाना डाला जाता है मस्ते। और ये भी है, ये देखिए कितना अच्छा गिर है। उधर भी है पोखरा, बहुत दूर तक है। कितना है यहाँ पे? बहुत ज्यादा है, पता है। हाँ। चलो यहीं से वापस चलते हैं। पहले बहुत डर लगता था हम लोग को यहाँ पे चढ़ने पे, ऐसा लगता था मछलियाँ रहती है, बहुत अच्छा दिखता है जब मछलियाँ कूदती है ऊपर पे। हाँ, ये पहले यहाँ से जाते हुए हम लोग इतना डरते थे कि गिर ना जाए, मतलब जब हम लोग छोटे थे तब का बात है। और ये एक ये बहुत लंबा है ना। चलो आगे चलते हैं। ये किस चीज़ के लिए? ये टॉयलेट है क्या? नहीं, क्या ये पंप सेट? ये पंप सेट, यहाँ से पानी आता है, पानी जमीन से निकलता, जमीन से निकल के खेतों में जाता है और अभी पोखरा में जा रहा है। आपको मैं पूरा दिखा दी चलूँगी, अब यहाँ से घर तक, घर से भी दिखता है पोखरा, थोड़ा थोड़ा दिखता है, मतलब ऊपर से ऐसा लगता है कि पानी है, क्लियर नहीं दिखता बट दिखता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंकित विवरणी का प्रारूप। चलो, सांप भी बहुत निकलते हैं ना यहाँ पे, और सांप बहुत, कितना सुंदर लग रहा है, नाली भी कितना सुंदर दिख रहा है,
कितना फ्रेश पानी दिख रहा है ये देखो ना इसमें एकदम क्लियर। वाओ उधर भी है एक, इसके पहले भी जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने सांप देखा था, हमेशा दिख जाते हैं एक दो, आज ही नहीं दिख रहे हैं पता नहीं क्यों, ठंडे के मौसम में ज्यादा दिखते हैं ना। हाँ ठंडी के मौसम बहुत। कहाँ से जाना है अब? इधर से। इधर से चलो। ये देखिए आम का बगान है यहाँ पे, ये बिक जाता है जब आम का सीजन आता है तो कोई कोई खरीद लेता है, उसके बाद उससे तोड़ के तो बेचा जाता है। ये आ गए हम लोग यहाँ पे, अल्लाह यहाँ से रास्ता ही नहीं है। नहीं है रास्ता नहीं है। हाँ पहले तो था ही, पहले यहाँ से वहाँ से वो रहा मंदिर और उसी के बगल में हमारा घर है, शायद छत पे दिख रहा हूँ लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, वो रहा छत, बट उसे छोड़े वहाँ से भी दिखता है, यही पानी सब दिखता है वहाँ से छत से। अब चलो यहाँ से तो रास्ता बंद है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ऐसे जाके घर पे निकल जाते हैं, फिर से वापस चलना पड़ेगा। ये भी इसमें क्या है, पुल जैसा, इसमें पनिया जा रहा है नाला के जैसा है ना जनीना। हाँ ये क्या है, ये रहर का दाल है, रहर का दाल है, ये रहा खाते हैं, चलो ये लो दो। कितना अच्छा लग रहा है हमारा गांव तो। वाह ये दिख रहा है या नहीं? हाँ नालक जैसा ही। ये सब घर किसका है पता नहीं लेकिन ये भी हमारा गांव ही है। चलिए अब चलते हैं, बहुत सारे आम के बगान मिलेंगे यहाँ पे, आगे भी है बगान, देखिए कितना दूर तक है, और उसके उधर जो है वो पोखरा था, नहीं तो वो शॉर्टकट रास्ता था, अब यहाँ से ऐसे घूम के फिर उधर से तब सीधा होके जाना होगा। उधर भी है पोखरा, बहुत सारे पोखरा हैं हमारे गांव में, और वहाँ पे जहाँ पे हम लोग गए थे अभी वहाँ से तो लाइन ही नहीं ख़त्म होता पोखरा का, इतना दूर तक है, लेकिन वहाँ से जाना नहीं था हमें लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ से आ गए वापस, वहीं से वापस आ गए। ये यहाँ भी है एक बगान, अभी जो मैंने दिखाया था वो उधर था, उसके और उधर था, और यहाँ भी है, ये किसी और का है, वो किसी और का था। बहुत सारे आम गिरते हैं यहाँ पे, हम लोग जब छोटे थे तब यहाँ पे आते थे, सुबह सुबह उठ के आ जाते थे वो केरी खाने के लिए। यहाँ पे बीच में सरसों भी लगाया हुआ है, और इधर आम का पेड़, वो मंदिर, और इधर क्या है कुछ भी नहीं, इधर एक जंगल भी है। हाँ और ये जंगल भी है ना इधर, जंगल भी है इधर, ये रहा वो सा इधर से जो मतलब यहीं से शुरू है ना जंगल की, कहाँ से है? यहीं से, यहीं यहीं से शुरू है जंगल, वो वाला वो जो बीच का है वहाँ से शुरू है जंगल। तो ये रहा आज का दिन, अब वलीमा है तो अब हम लोग जाएंगे घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे रेडी होंगे और वलीमे में जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा हो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये रहा एक और पोखरा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।